हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की, भारत की बेहतरीन कंपनी आईटीसी लिमिटेड। ये कंपनी अगर इसका बात करें हम बिज़नेस मॉडल की, तो ये कंपनी अभी अपने बिज़नेस मॉडल को थोड़ा अलग तरह से सेटअप कर रही है। और इस कंपनी के अगर हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी बहुत ही शानदार प्रॉफिट देती आई है हमेशा की तरह। और सबसे अलग बात इस कंपनी में कि कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है, और कंपनी की जो फाइनेंशियल है, फंडामेंटल है, वो बहुत ही शानदार है। और कंपनी का काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। तो आइए देखते हैं कंपनी का सेटअप कैसा है, क्या किस तरह से काम करती है। तो हम बात करें कंपनी की, 15 प्रमुख बिजनेसों में डील करती है, 5 सेक्टर में काम करती है। कंपनी का ओन पैकेजिंग सिस्टम है, जो सबसे बड़ी बात है। ओन पैकेजिंग दोस्तों, ये ओन पैकेजिंग सिस्टम है, ये सबसे बड़ी बात है जो इस कंपनी के पक्ष में जाती है। हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आइए तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की पॉपुलर ब्रांड सिगरेट, जो भारत की फेमस सिगरेट ब्रांड है, जैसे आप देख सकते हैं इंसिनिया, इंडिया किंग्स, लक्की स्ट्राइक, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, नेवी कट, प्लेयर, सीजर, कैप्सन, ब्रिस्टल फ्लेक, सिल्क कट, ये जितनी फेमस ब्रांड है इन सबको आईटीसी, ये सब आईटीसी की है। इसके अलावा हम बात करें, कंपनी ने जो अपनी सिगरेट की हिस्सेदारी है, सिगरेट का बिजनेस है, उसको कम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी घाटे में जा रही है। इसका जो सबसे बड़ा पर्पज़ है कंपनी का, कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है अदर ब्रांचेज में, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। जैसे अगर हम अदर बिजनेस की बात करें तो कंपनी का अदर बिजनेस जैसे बिंगो, आशीर्वाद आटा, घी, कॉफ़ी, इनमें भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। और एक्सपेंड ही नहीं कर रही, इससे कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है। इसके अलावा जितने भी क्लासमेट कंपनी के प्रोडक्ट आपको, क्लासमेट के पेन, क्लासमेट की कॉपी, वो सारे आईटीसी के ब्रांड है, जितने भी ये फेमस ब्रांड है। उसके अलावा हमने बात की थी कंपनी की ओन पैकेजिंग की। ओन पैकेजिंग की बात, कंपनी ने एक सेटअप कर रखा है। जैसे अगर कंपनी को आटा बनाना है तो कंपनी ने किसानों का एक समूह बना रखा है जिसमें लाखों किसान जुड़े हुए हैं। कंपनी उनसे डायरेक्ट गेहूं वगैरह लेती है, जो भी सामान बनाना है कंपनी को, उन्हें डायरेक्ट मुनाफा देती है। तो इससे क्या लागत कंपनी को कम होती है ओन पैकेजिंग। जैसे कंपनी को सिगरेट बनानी है तो उसके लिए जो पैकेजिंग का खर्चा है, उसके लिए कंपनी ने खुद का सेटअप किया है, खुद ही पैकेज करती है, खुद ही बेचती है। इससे लागत कम होती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और कंपनी जो ये किसान है, इनको जैसे वार्निंग, जो भी वेदर वार्निंग होती है वो देती है, पहले डाटा प्रोवाइड कराती है ताकि इनका नुकसान भी कम हो। तो किसान भी खुश रहते हैं और वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं। और किसानों को इसके बाद कंपनी खुद ही लोन देती है सस्ती ब्याज दरों पे, तो कंपनी का भी इसमें फ़ायदा होता है। और किसानों को भी बड़े सेठ साहूकार से ऋण नहीं लेना पड़ता है। तो इससे कंपनी को बहुत ही फ़ायदा और किसानों को भी। तो कंपनी का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल की बात करें तो जैसे हम देखें रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू 44,000, 44,000, 45,000, 50,000 और 52,000, ये कंपनी का ये सारी रकम करोड़ों में है। तो कंपनी का जो ये रेवेन्यू है हमेशा बढ़ता गया है, 44,000 करोड़, 45,000 करोड़। उसके अलावा हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं आप, 2017 में 10,000 करोड़ था, 2018 में 11, 2019 में 12.5 के आसपास, और 2020 में कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 15,500 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आप शेयर होल्डिंग की, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी लगभग 13 के आसपास है, 13%। उसके अलावा हम बात करें जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनकी 42, उसके पब्लिक के भी लगभग अपने 45% अपने पास रखे हैं शेयर पब्लिक ने। उनमें जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो टोबेको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है, उसके बाद मिडिलटन इन्वेस्टमेंट कंपनी की है 3.96। तो दोस्तों अगर हम बात करें, कंपनी पूरी तरह से प्रोफेशनल है, किसी पर्टिकुलर बंदे के पास कंपनी के शेयर्स नहीं है। तो कंपनी एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, और कंपनी पे जो कर्जा है वो बिल्कुल ज़ीरो है, लगभग नील के बराबर है। आप समझ सकते हैं 7 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी ने सब कुछ काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है, कंपनी की पॉलिसीज बहुत अच्छी है, और कंपनी इस समय टॉप डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शामिल है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार है, और आने वाले टाइम में कंपनी पक्का बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली है। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। थैंक यू, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।